अभी मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो हवाई पट्टी आप लोगों को दिखा रहा हूँ जहाँ पे इमरजेंसी में कोई भी फाइटर प्लेन उतर सकता है, साथ ही साथ पैसेंजर प्लेन भी उतर सकता है। ये हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है, और ये जो है साइड वाला लाइन है, बीच में जो टच डाउन मार्क होता है, टच डाउन जिस पे जो है हवाई जहाज का जो है चक्का जो है टच करता है या फाइटर प्लेन का चक्का टच करता है, वो ये टच डाउन मार्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, 3.5 किलोमीटर लंबा जो है एयर स्ट्रिप है, मतलब कि पटना हवाई अड्डा का जो है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है पटना हवाई अड्डा का, जहाँ पे सारे प्रकार का हवाई जहाज उतरते हैं। हालांकि रनवे का लेंथ जो है वो छोटा है, लेकिन यहाँ पे 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इमरजेंसी में जो है प्लेन उतारा जा सकता है, और इमरजेंसी में प्लेन उतारने के बाद जो है उसे कहाँ खड़ा किया जाएगा उसके लिए भी जगह बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जगह बनाया गया है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एयर स्ट्रिप है जहाँ पे जो है अपना सुखोई प्लेन भी उतर चुका है यहाँ पे, पिछले साल ही सुखोई प्लेन उतरा। और ये एयर स्ट्रिप कमाल का बनाया गया है, मतलब इस साइड भी प्लेन उतर सकता है इस साइड, और इमरजेंसी में उस साइड भी प्लेन उतर सकता है, जब इस साइड के प्लेन को साइड कर दिया जाएगा तो उस साइड भी उतर सकता है। और जब उससे भी ज़्यादा इमरजेंसी हो तो देखिए ये जो डिवाइडर बनाया गया है, डिवाइडर वो इस प्रकार से बनाया गया है कि यहाँ पे बुलडोजर वाला प्रदेश में बुलडोजर लेके आइए, मतलब जेसीबी लेके आइए, और इस डिवाइडर को आप हटा के साइड में कर सकते हैं, और इस साइड भी प्लेन आराम से उतर सकता है, और इसके लिए भी जगह बनाया गया है। अगर मान लीजिए प्लेन उतरेगा तो उसको खड़ा कहाँ करेंगे, तो उसके लिए इस साइड जो है, देखिए वहाँ पे जो गाड़ियाँ सारी खड़ी है वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे बनाया गया है। और ये जो है ये पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये पट्टी, ये जो है रेडियम प्लेटेड पट्टी होता है, रात में जब प्लेन उतरेगा तो उसको दिखाई देगा, और यहाँ पे भी सारा रेडियम लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि जो है ये पूरा रात में दिखाई दे और इमरजेंसी में जो है प्लेन उतर सके। हालांकि रात में प्लेन यहाँ पे नहीं उतरता है, यहाँ पे दिन में ही उतरता है, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है ये, इमरजेंसी मान लीजिए कि एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट पे किसी कारणवश कुछ प्लेन नहीं उतर पाया, या लखनऊ में, या कभी फ्यूल भी कम हो जाता है, या कभी इंजन खराब हो जाता है, तो उस दौरान जो है इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पे उतारा जा सकता है। और ये सारी व्यवस्थाएं जो है पहले विदेशों में हुआ करती थी, अब अपने भारत में भी ये सारी व्यवस्थाएं होने लगी है। इसमें भी एयर स्ट्रिप है, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे भी एयर स्ट्रिप है, शायद से अपना जो नया एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली से मुंबई, उसमें भी 2-3 जगह एयर स्ट्रिप बनाया गया है, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे शायद से एयर स्ट्रिप नहीं है। तो ये इमरजेंसी के दौरान जो है ऐसा कि ऐसा प्लेन को दिक्कत ना हो उसके लिए बनाया जाता है। और कमाल की बात ये है कि पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है ना, उससे भी बड़ा रनवे है ये, पटना एयरपोर्ट का रनवे का जो है लंबाई जो है 2000 फीट के आसपास है, 2000 फीट के आसपास है, 2000 मीटर के आसपास है, सॉरी 2000 मीटर के आसपास है पटना एयरपोर्ट का रनवे का लंबाई, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, 3500 मीटर लगभग 3.5 किलोमीटर है, और अनेकों हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतर सकता है। तो जब एक्सप्रेसवे बनता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पे अगर इमरजेंसी में कभी कुछ हवाई जहाज को उतारना हो, कुछ फाइटर प्लेन को उतारना हो, तो उसके लिए व्यवस्था किया जाए, और उसी के लिए ये सारा व्यवस्था है, ये सारा रेडियम, ये रात में चमकता है ये सारा, ये इसमें जो है मिक्स रहता है, और हर जगह जो है टच डाउन मार्क दिया गया है, जैसे टच डाउन होता है ना, जब प्लेन उतरता है तो उसका व्हील जो है टच करता है, बैक साइड का व्हील टच करता है, तो बैक साइड का व्हील जो है कहाँ टच करेगा उसके लिए टच डाउन मार्क जो है जगह जगह पे दिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टच डाउन मार्क दिया गया। और देखिए बीच का डिवाइडर को नीचा क्यों रखा गया, उसके पीछे का रीजन है कि अगर हवाई जहाज जो है विंग्स फैलाता है तो उसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, मान लीजिए विंग्स फैलाता है तो उसका हाइट रहता है, तो इसलिए जो है इसका हाइट इतना ही दिया गया। और यहाँ पे कहीं भी आपको जो है पेड़ नहीं लगाया गया है बीच में ताकि डिस्टर्ब ना हो, साइड में भी पेड़ यहाँ पे नहीं लगाया गया, बाकी जब एयर स्ट्रिप खत्म हो जाता है तो वहाँ पे पेड़ लगाया गया। और टच डाउन मार्क आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, इस साइड भी दिखाई दे रहा होगा ताकि हवाई जहाज को उतरने में कोई दिक्कत ना हो, और दो दो है देख सकते हैं।
चलिए इस एयर स्ट्रिप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि ये एक्सप्रेसवे जब बना था उसी समय धस गया था, बहुत सारे जगहों पे कुछ कमियां थी, लेकिन बहुत तेज गति से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया, तो वो सारी कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। और जहाँ भी कमी हो उसको तो दिखाया जाना चाहिए, हम जैसे लोग जो है दिखाएंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है उद्घाटन के बाद जो है वो धसा था, ये बात सत्य है, लेकिन एयर स्ट्रिप पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एयर स्ट्रिप जो है बढ़िया तरीके से बनाया गया है और 10-15-20 साल तक जो है इसको कुछ दिक्कत नहीं होगा। एयर स्ट्रिप को बस हल्का फुल्का मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार का एयर स्ट्रिप बिहार में भी होना चाहिए, और ख़ासकर मैं बिहार के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कम से कम पटना एयरपोर्ट का रनवे लेंथ आप बड़ा कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से और नितिन गडकरी जी से कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो है पटना तक जोड़ दीजिए, पटना तक, और एक्सप्रेसवे से ही जोड़िए, फोर लेन से नहीं, एक्सप्रेसवे से जोड़िए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। जब बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ा जाता है तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, बीच में जो है सिंगल रास्ता है, फिर उसके बाद से जब आप कोइलवर पुल पार कर जाते हैं वहाँ से पटना जाने में बहुत दिक्कत होता है, बीच में जो है सिंगल रास्ता है। तो प्लीज़ नितिन गडकरी जी, विनती है आपसे कि बिहार में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बिहार को जो है, पटना को जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दीजिए। प्लीज़ विनती है आपसे कि पटना को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जल्द कनेक्ट किया जाए और बिहार के भी, बिहार में भी प्रॉपर एक्सप्रेसवे बने, और जिसपे जो है ये ऐसा एयर स्ट्रिप बने जहाँ पे इमरजेंसी के दौरान जो है फाइटर प्लेन और हवाई जहाज उतर सके। नेपाल के साइड में जो है बहुत एक रोड की ज़रूरत है, एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है, जो गोरखपुर होते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण होते हुए सीतामढ़ी होते हुए जो है आसाम के साइड निकल जाए, तो उस एक्सप्रेसवे का भी जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और इस एक्सप्रेसवे को पटना से जोड़ा जाए। बाकी ये एयर स्ट्रिप आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसमें कुछ कमियां हो तो भी बताना, ताकि जो है उस कमेंट को पढ़ के जो है सरकार उसे दुरुस्त करने का प्रयास करे। कुछ ट्रक ड्राइवर जो है अपने अपने ट्रकों को खड़ा करके जो है रुक गए हैं, 1-2-3, अब उनसे चलते हैं, हम लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे। बाकी ये एयर स्ट्रिप जो है वो जम्मू कश्मीर में भी बना है। जब मैं जा रहा था जम्मू से जो है श्रीनगर में जा रहा था, तो अनंतनाग में भी मैंने देखा कि इमरजेंसी एयर स्ट्रिप ऐसा बना हुआ है, वहाँ पे जो है फाइटर प्लेन आराम से जो है लैंड कर सकता है। ये सारे ज़्यादातर लोग, आप लोग ट्रक ड्राइवर है ना सभी लोग, कितना ट्रक है आप लोगों का? तीन, तो तीन लोग, तीन ट्रक में कितने लोग थे? छह लोग। अच्छा, ये इसके बारे में पता है आप लोगों को, ये क्या है? एक्सप्रेसवे नहीं, ये जो ये का नहीं, टोल बैठाने के लिए यहाँ चौड़ा होगा नहीं, इस पे हवाई जहाज उतारने के लिए बनाया गया है जी, जी। और फाइटर प्लेन उतारने के लिए इस पे फाइटर प्लेन उतरा है, समझे? इसलिए उतरा था ना, राफेल उतरा था, देखे थे? नहीं देखे, सुने थे। उतरा था, तो यही वो जगह है, समझे ना, बनाया जाता है। और आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, यही दिक्कत है, लेकिन नेम लागू होने वाला है सर। क्या चीज? हिट एंड रन सर। तो ठीक है, तो उस पे सरकार जो है उसको कंसिडर कर रहा है, उससे तो सही में आप लोगों को दिक्कत होगा, ये बात सही है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से और भी विनती कर देना चाहता हूँ, इधर आ जाइए, हाँ यहीं पे खड़े रहिए आप लोग, कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, सही है कि नहीं? तब उनमें भी सुधार होना चाहिए। हालांकि आप लोग अच्छे हैं और 90% ट्रक ड्राइवर अच्छे होते हैं, बिना दारू पिए गाड़ी चलाते हैं, ये बात सही है, लेकिन 10% लोगों के वजह से बदनामी होती है, तो वैसे लोगों को आप लोग भी चिन्हित करें। और हिट एंड रन जो है उस पर सरकार को जो है एक बार सोचना चाहिए, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि जो है ट्रक ड्राइवर हमारे देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का है, तो वो सोचना चाहिए और सरकार जो है उस पर पुनर्विचार करे, और बाकी जो है ट्रक ड्राइवर और उनके एसोसिएशन से बात करें, उस पर जो है हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिर से बताना चाहता है, जानते हैं कहाँ है? मार्किंग जब हवाई जहाज उतरेगा ना ऊपर से, तो उसको दिखाई तो देना चाहिए कि कहाँ टच करना है, कहाँ टायर को टच करना है, तो वो यही है। और यहीं पे जो है सुखोई उतरा था, यहीं पे, मतलब जो हाइड्रो प्लेन का नाम रख रहे हैं, यहीं पे उतरा था। बाकी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, और बस हमारे बिहार में भी प्रभु विकास जो है ऐसा कर दीजिए, ऐसा एक एयर स्ट्रिप और ऐसा एक एक्सप्रेसवे बिहार में भी बना दीजिए, और नितिन गडकरी जी इसको जो है पटना से कनेक्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।